अक्टूबर माह में चंबा में जिला स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा के छात्र अभी से जुट गए हैं। रोजाना छात्र स्कूल के पीटीआई सुशांत की देखरेख में विभिन्न खेलकूद स्पर्धाओं की तैयारियां कर रहे हैं। इस बारे जानकारी देते हुए बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा के पीटीआई सुशांत ने बताया कि इस टूर्नामेंट में हॉकी, फुटबॉल, दौड़, वेटलिफ्टिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में छात्र जुटे हैं। मेरा नाम सुशांत है और मैं बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं, कार्यरत हूं। अभी जिला स्तरीय अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट के जो टूर्नामेंट है स्कूल लेवल, वो शुरू होने जा रहे हैं और जिसमें कई तरह की एक्टिविटीज़, कई तरह के स्पोर्ट्स जो है वो खेले जाएंगे, जैसे कि फुटबॉल है, हॉकी, जंपिंग इवेंट है, रनिंग इवेंट है, थ्रोइंग इवेंट है और इसके अलावा वेट लिफ्टिंग है। कई तरह के गेम्स जो है इसमें खेली जाएगी। तो उस टूर्नामेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हम लोग बच्चों की जो है वो थोड़ी सी तैयारी जो है वो करवा रहे हैं यहाँ पर चौगान में। इसके अलावा जो अदर स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी और फुटबॉल, उनके लिए हमने जो है सुबह का टाइम रखा है, ताकि क्योंकि इस टाइम पे चौगान में रश होता है काफ़ी, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता और स्कूल लेवल जो है वो बच्चों का स्कूल टाइमिंग भी रहती है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे सुबह आ सकते हैं स्कूल टाइमिंग से पहले, तो उन बच्चों को हम स्कूल ग्राउंड में सुबह के टाइम में ही प्रैक्टिस करवाते हैं। और जो टूर्नामेंट जो है ये अभी तक इसकी डेट जो है वो फाइनल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ये पॉसिबिली जो है हो जाएंगे। और इस बार जो है वो स्टेट के जो फुटबॉल के, टीटी के और वेटलिफ्टिंग के जो टूर्नामेंट है वो भी चंबा में होने जा रहे हैं, वो भी उनकी भी डेट्स जो है वो 15 अक्टूबर के बाद की जो है वो डिसाइड होनी है अभी, तो वो भी इवेंट जो है चंबा में इसी चौगान पे जो है वो किया जाएगा। तो ये हमारे चंबा के बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या बच्चे जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बड़े इंस्पिरेशनल जो है वो एक जो है ये बच्चों को इंस्पिरेशन दे सकते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे और चंबा के बच्चे जो है वो इन स्पोर्ट्स को देखें और अपने लाइफ में भी जो है वो जो बच्चे हमारे स्कूल में नहीं भी पढ़ते हैं वो भी इनसे इंस्पिरेशन लेकर जो अपनी लाइफ में जो है वो स्पोर्ट्स को अपनाएं और अपनी लाइफ को जो वो हेल्दी और एक जो है वो एक अच्छी लाइफ जो जी सकें। दूसरी बात, आपको ये चीज़ बताइए कि अभी हमारे हिमाचल में क्या पूरे इंडिया में जो है नशा जो है बड़े प्राइम जो है बड़े जो है चरम पर पहुंच गया है। तो और अभी जो है वो जो छोटे बच्चे हैं, मेनली जो हमारे 19 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो इस चीज़ में ज़्यादा फंस रहे हैं। और जिस वजह से जिस देश का युवा जो है वो नशे में रहेगा, तो वो देश कभी भी जो है वो उन्नति जो है नहीं कर सकता, वो इकोनॉमिकली जो है वो उतना ही डाउन रहता है जहाँ पर जितना नशाखोरी रहती है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और साथ में स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें इन चीज़ों से दूर रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी छोटे बच्चे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दें और नशे से दूर रहें, और ताकि जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छे राष्ट्र का जो है निर्माण कर सकें।